अरे बाराती आ गए। दीदी दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। नो पार्किंग एरिया से वाहन उठाने के लिए पिकअप वाहन में काम कर रहे युवक गुंडागर्दी पर उतर आया है। वाहन उठाने वाले युवकों द्वारा नागरिकों के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बुधवार की शाम मध्य नागपुर के नंगा पुतला परिसर में नो पार्किंग परिसर से वाहन उठाने वाले कर्मचारी और 3 लोगों में हुए हाथापाई करने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शहर में ऐसी घटनाएं हमेशा ही सामने आती रहती है मगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बुधवार को हुए इस घटना की बात करें तो वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वाहन उठाने वाले कर्मचारी और 3 लोगों में विवाद हो रहा है। जब ये वीडियो हमारे पास आया तो हमारी टीम इसकी सच्चाई जानने भी जुट गई। इसकी सच्चाई जानने के लिए जब हमारी टीम ट्रैफिक विभाग पुलिस निरीक्षक के पास गए तो उन्होंने बताया कि टोइंग वैन कर्मचारी अपना काम कर रहे थे। इसी समय एक दुपहिया वाहन पर ये लोग आए और गाली गलौज करने लग गए। इतना ही नहीं इनके बीच हाथापाई भी हुई। टोइंग वैन कर्मचारी ने तहसील पुलिस थाना में इन 3 व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तहसील पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। दिनांक 13 मार्च 2024 रोजी संध्याकाळी 7 वाजता नंगा पुतला चौकाजवळ देवडिया शाळेजवळ कॉटन मार्केट विभागाची जी टोईंग वॅन आहे, टू व्हीलर टोईंग वॅन, ती कारवाई करत असताना एका पॅशन प्रो गाडीवरून आलेल्या अज्ञात 3 इसमांनी टोईंग वॅनवरील जो कर्मचारी होता उज्ज्वल पराते त्याच्याशी त्याला शिवीगाळ करून धक्काबुक्की करून मारहाण केल्याबाबतची तक्रार काल पोलीस स्टेशनला येऊन त्यांनी समक्ष दिल्याने तसेच टोईंग वॅनवरील कर्मचारी रामचंद्र गजबे यांनी तक्रार दिल्यावरून तहसील पोलीस स्टेशनला CR नंबर 164/2024 IPC 294/393/186 व मोटार वाहन अधिनियम कलमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर प्रकरणात जे पॅशन प्रो गाडीवरून आलेले जे 3 इसम होते, टिप्सी इसम ते आले होते आणि त्यांचा फिर्यादीप्रमाणे व प्राप्त फुटेज प्रमाणे टोईंग वॅनवाल्यांनी त्यांना अडवलं नव्हतं किंवा काही त्यांच्यावर काही कारवाई करत नसतानाही ते टोईंग वॅनवरील जे कर्मचारी आहेत ते त्यांचं काम करत असताना त्यांना येऊन सुरुवातीला शिवीगाळ करायला चालू केली व धक्काबुक्की करायला सुरुवात केली अशी तक्रार दिल्यावरून सदरचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे 3 इसमांविरुद्ध। सदर प्रकरणी जी तक्रार प्राप्त झाली आहे त्यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। यातील जे आरोपी आहेत त्यांच्याकडे सूचना पत्र देऊन तपास करून पुढील योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। तसेच हे जे टोईंग वॅनवरील कर्मचारी आहेत ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरचे आहेत, त्यावर जे आहे त्यांचे चारित्र्य पडताळणी वगैरे याबाबत ट्रॅफिक विभागाकडून कारवाई करण्यात येत असते। इस मामले में एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि कर्मचारी जब अपना काम कर रहे थे तभी ये 3 लोग वहां पर आए और उनकी गाड़ी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।